नमस्कार, आज मुझे नड़िया बिस्कुट करके देखेबी। एटा देखिक आपण मैंने भावुवे मुझे नड़िया बिस्कुट बोली कौन कहे। एटा तो देखा निम्की बा खुर्मा भाई देखा जाऊँगी। छोटा बेले माँ आम मैं निम्की बा खुर्मा करते बेलू सुजी आ नड़िया देके बिस्कुटा करुले। विश्वास करूँ ये बिस्कुटर स्वाद बहुत बढ़िया लगे, आईटा घरे बहुत अल्प जिनस जाए। आज मुझे बिस्कुट या देखेबी, इतिपाय बेसी किछि जिनस मध्ये दरकार होइनी। एठी देखंतु मु गोटे बड़ जगह रे पाखा पाखी 250 ग्राम हबो मैदा को नेइछि। सेथिरे 150 ग्राम सुजी देली, तापरे 150 ग्राम चीनी को गुंड करिकि एबे थरे दे देली। ता सहित फाळे नडिया को कोरिकि नेइछि। एबे थरे 2 चम्मच तेल दे देली। आपण तेल जगह रे घी नेकि मध्ये करिपरिबे। वर्तमान नेथिबा मैदा सुजी नड़िया एवं तेल को सब जिनस को एकाठी करके भल भाव मिसई नबा। एथिरे अलग किछि भी नहीं, जेमिति आमे निमकी बा खुर्मा करिथौ ठीक से भली एटा को मिसई दबा। हाथरे एमिति मुठा करके देखिबा। भल भाव बांधी गला परे एबे सेथिरे अल्प अल्प करके पानी दबा। तापरे चकटी नबा, पूरा टाण करके चकटे। जेहेतु ये चीनी पड़ी किसी समय रहीगला यहाँ नरम हो देखो तो, मैदा सुजी नड़िया को भल भाव पूरा टाण करके चकटे दिहला। बर्तमान या को पखापाखि 15-20 मिनिट साइड करके रखिद से भितर गोटे कड़ईटे गरम करनवा छाणीपी कि तेल देद। तेल गरम होगा भितर मैदा और सुजी को जो चकटी को रखी थी से देखो मुझे छोट छोट गोला गुड़िकली नवा पूरा पतला करके बेलिबे। रुटी ठू टे मोटा रहा ये देखते ये भाव या बेली नेपर निज इच्छा अनुसार जेकोसी आकार देखने देखते युड़ मुझे ठिकिरी भाया काटिने भितरे तेल भी गरम हो जाए। जो काटिक रखी थी सेगुड़ी को तेल रे छाणी नवा। चूली आंच को लो रु मीडियम फ्लेम रे रखिक एगुड़ी को सुनेली रंग हेला पर्यंत छाणी ने मझेरे मझेरे टे तल उपर कर देखते सुनेली रंग भल भाव आसीगला। पूरा गाढ़ रंग आने हल्का सुनेली रंग आसिले या आम काढ़ी नवा। यही भाव रखि बाकी चकटा कोज इच्छा अनुसार जेकोसी आकार देखिए आपण मैंने छाणी ने देखते मुझे गोल गोल करणी। साधारण आम जमी निमकी करा ठीक से भाया हम से भाया चकटा हम पूरा अल्प आंचरे छणा हम। बर्तमान आम नड़िया बिस्कुट या पूरा थंडा होगापर या डबारे रखिकी पूरा मासे पर्यंत व्यवहार करिहबो।